सोच के पकड़े पूछन लगे क्यों कह लगे इसलिए पकड़िया भी ताकि मैं ब्रश पकड़ के योजी की तस्वीर बना दिया मैं कला तलवार चुक के कुछ भी नहीं कर सकता जेडे बाकी आने वाली पनीरिया ने तलवार चुक के वह कर सकन जो इस तस्वीर अधूरा रह गया। सिर्फ दास इतिहास की कथा इसलिए साझी कर रही है असी बड़े लहू भिजे अपने पैर टुट के गए अगे साड़ी तवारीख इतनी दुखदाई है इतनी दर्द भरी है ना असी आप जानी माणी ना असी लोगों दस सके ना ही बच्चों को सिक्ख्या दे सके। एक गल मैं होर अज चेते करवानी चाहना प्रिंसीपल हरभजन सिंह ने गल रखी है सुख नारायण सुमन का किताब अचानक गल चेते आ गई तैमूर ने जदों गुलाम रोहिला गुलाम कादर रोहिला तैमूर हार गया जंग हारिया उस गुलाम कादर रोहिले ने यह परख करने वास्ते भी इन्हां विच किन्नी अणख गैरत बाकी है उन्हें कुछ एक जनानियां उस दरबार दियां लियानियां लिया के उन्होंने एक अपने घर के कमरे के अपने महल के कमरे जिहड़ा हुण उहदे बन चुका है सतमूर की थां ते उन्होंने नचण ला दिता आप उन्हें एक शरबत का प्याला कोल रख लिया शरबत का प्याला बोतल पाके रख लिया तो पी जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा
ते यूं प्रतीत हुंदा भी जिवें बहुत नशई हो गया होवे। जेड़े खंजर दे नाल उन्हें तैमूर दियां अखां कढ़ियां सन, तैमूर दियां अखां कढ दित्तियां सन खंजर दे नाल, खंजर दी नोक दे नाल। जेड़ी खंजर दी नोक दे नाल तैमूर दियां अखां कढ़ियां, उहो खंजर अपनी छाती दे उत्ते रख के बिल्कुल इवें पिया है ते तैमूर दे दरबार दियां, तैमूर दे परिवार दियां जनानियां उन्हें नचण लगियां होईयां ने। आखिरकार प्रगट करदा करदा एक यहोजी अवस्था विच पहुंच गया भी जिवें घूक सौ गया हो, कोई फिक्र नहीं। लेकिन हैरानी की गल, जनानियां नचदियां नहीं। हुण तैमूर ने उठ के खंजर संभालिया, एक गल कही, कहन लगे अज तो बाद तुसीं अपनी किस्मत नूं ना कोसियो, किस्मत नूं ना कोसियो। जनानियां पुछदियां क्यों? कहन लगे मैं अज देखना चाहुंदा सी वी तुहाडे अंदर गैरत किन्नी कै, तुहाडे अंदर अणख किन्नी कै। मैं शराब नहीं सी पीती, मैं शरबत पीता सी, मैं सुता नहीं सी, मैं अखां बंद करके लेटे होया सां, मैं खंजर अपने कोल इस दी रखिया होया सी, इस खंजर नाल तैमूर दियां अखां कढ़ियां सन। मैं वेखदा सां तुहाडे विचों कोई अणखां ते गैरत वाला होएगा जिहड़ा चुक के खंजर मेरे ते वार करेगा, पर मैं आप सौण दा भी ढंग कर लिया। जे तुसीं सुते पए जालम नूं भी नहीं मार सकदी आ तां तुसीं किस्मत ते अपना दोष ना दिओ, तुसीं अपनी अणख गैरत ही गवा दी। इतिहास सानू अणख नाल जीवना सिखाउंदा है, इतिहास सानू साडे पिछोकड़ तों वाकफ करवाउंदा है, इतिहास सानू दसदा है नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अशद राज पिछड़त दुख पाया, सोगत भई हमारी। इतिहास सानू साडे बजुर्गां दे उन्हां चंगे कमां तों वाकफ करवाउंदा है, इतिहास सानू उन्हां गलतियां तों वाकफ करवाउंदा है जिन्हां राहीं असीं ताकतां पा के वी रुल गए सन। अज की लड़ी शुरू करने चाहते महाराजा रणजीत सिंह के परिवार की बर्बादी के दिन इतिहास में जो अंकक ने दस वो थोड़े को साझे करता रहा है। उन्हें आप इतने कुछ पहुंचे ध्यान सिंह के कट को ना पछाण करके एक वक्त आया खड़क सिंह भी तुर गया, एक वक्त आया ये पापा के कारण कवर नौ निहाल सिंह भी मौत राहे तुर गया, एक वक्त आया ते अज उस राज दरबार विचों नानकी नूं भी कवर नौ निहाल सिंह की घरवाली नूं भी बुरी मौते मारिया। इसे ध्यान सिंह पापी के पाप के कारण उस चंद कौर नूं बुरी मौते मारिया गया। ये विचार आप पिछले दिनों च सुनिया ने, 11 जून ये डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने लिखे है, 13 जून ये डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर ने लिखे है, 12 जून ये सोहन सिंह सीतल ने लिखे है। इन विद्वानों ने एक जिक्र किया है उस दिनों के विच हो सकता है 11 नूं डेथ होई होवे, 12 नूं प्रबंध किया होवे, 13 नूं चंद कौर दा संस्कार किया होवे, तां हो सकता है इन्हां तरीकां दा फर्क लगदा होवे। 1843 दा वह दिन चंद्रा जिस दिन इस दिन महाराणी चंद कौर नूं पत्थर मार के उहदियां गोलियां ने मार दिता। एक गल चेता रखियो जी, शायद कहने ने भी बंदा पापी का जो साथ दिंदा है ना ते उदों आप ना भी पाप कीता होए तो यकीन करके जाने वो मनुख कदे अपनी जिंदगी अंदर सुरखरू नहीं हो सकता, एक ना एक दिन वो सामने आखन होएगा। हुण जिहड़ियां चार गोलियां ने आसो भागो बदामो पेरो इन्हां चारां ने जिन्हां ने महाराणी चंद कौर नूं मारिया सी, ध्यान सिंह ने इन्हों दरबार में बुला लिया, दरबार में शरेआम बुला के कह लग्या ये चार गोलियां ने जिन्होंने महाराणी चंद कौर का कतल किया, इन्हों सजा मिलनी चाहिए है। वो गोलियां बड़िया हैरान हुई, भी कमाल है
इन्होंने साढ़े ना वादा किया असी पांच हजार रुपया नगद देके ते मुंह मंगिया मुरादा देके आखिरकार तुहानू होर भी दाता नाल लिजाया जाएगा ते इतिहास गल किथे गई असी इन्हां दे आखे लग के सारा पाप भी कर लिया ते अज साढ़े नाल विहार किहो जिहा करन लगे ने। आखिरकार ध्यान सिंह की गल वल सारिया ने ध्यान दिता ते बाकिया की गल कोई गोलियां फूकदियां रह गईयां पर उन्हां दी गल किसे ना मन्नी। इस पापी ने उन्हां चारे गोलियां दे कान भी कट दिते, उन्हां चारे गोलियां दे नक भी कट दिते, उन्हां चारे गोलियां दे पैर भी कट दिते, उन्हां चारे गोलियां दे हाथ भी कट दिते, उन्हां नूं कश्मीरी दरवाजे राही कढ के बाहर एक पिपल थले सुट आए ते उत्थे हुण आए गए लोग जिहड़े ने ना उन्हां दे सामने कोई तरले कर रहीआं ने, क्योंकि जो इहो जिहा कोई भाणा वरतदा है ते वेखण वाले लोग बहुत चले जांदे ने। कुदरती गल साडे कल्चर दांग रही है तां गल ते जदों उहनूं देखण वास्ते चले गए उह चारे गोलियां अपनी रो रो के दस्तां बयान कर रहीआं ने वी साडे कोलों पापी ध्यान सिंह ने पैसिआं दे लालच विच लग के इह कुकर्म करवा लिया। हैरानी की गल यह है वी सानूं पैसे तां की मिलने सन, साडे नाल आ होया, हुण असीं पैसिआं पिछे नहीं रोंदियां, असीं इस पिछे रोंदी है तुसीं ध्यान सिंह पापी नूं पछाणन की कोशिश करो। वो दिन रात पाप करके अपने इस पापा की लड़ी नूं लम्मा करता जा रहा है ते ये महाराजा रणजीत सिंह का परिवार उजड़ता जा रहा है। कहीं यह कौम की कमजोरी रही है, असी इस गल दे विच परख नहीं कर सके। पिछले समय च भी वैसे थोड़ा जिहा एक जिक्र करना चाहुंदा, पिछले समय च भी इतिहास में सिर्फ दाग सानू दिसते ने। वो दाग क्यों दिसते ने? क्योंकि सिक्खी के बाने में गदारा ने आके वो तबाही मचाई जेड़े वो सूरमे शहादत देने वाले सन, जेड़े वो सूरमे दुखा कट्ट वाले सन, जेड़े वो सूरमे जेलां कट्ट वाले सन, जेड़े वो सूरमे अपनिया जिंदा लेके लाने वाले सन। अब उन्हां दा सगों दुनिया में प्रभाव खत्म करके इन गदारा ने सिक्खी दे विच दाखल होके ते दरबार साहब ने जां होरां पासिआं तों इहो जी एक गंदियां हरकतां कर दित्तियां जिहदे नाल उन्हां महान शहीदां की कुरबानी नूं भी रोल के रख दित्ता, क्योंकि उसका कारण है असी पहचान नहीं कर सके। वरना जो पहचानिया हों तो सिखा की जी दस्त है वह यह ना आदियां जो पिछे सूरमे अपने कारनामे करते सन ते पापी माड़ी करतूत करके सिक्खी के उत्ते दाग ला देंगे सन। उस गल चलना हूँ उन्होंने जो उत्थे लोग देखने जाते हैं वह चारे जड़ियां नौकरानियां ने चारे गोडियां ने दसदिया ने भी साढ़े को पाप करवाया। ते आखिरकार जदों ध्यान सिंह ने वेख्या भी साडी बदनामी हो रही है, शेर सिंह ने देखा भी साडी बदनामी हो रही है, अगली रात एक जलाद भेजिया, चारे उन्हां बाकी जिहड़े बचदे शरीर सन उन्होंने टुकड़े करवा के रावी में चढ़ा दिता। चारे गोलियां जिवें चले गए, कुछ समा अपनी टोल टुरिया, करीब दो महीने का वक्त फिर गुजरिया, दो तीन महीने का वक्त फिर गुजरिया। एक दिन गुरमुख सिंह, गुरमुख सिंह कौन ने थोड़ा जा ख्याल करो, मैं कोशिश कर रहा संखेप में हर एक की जो भी कद कोई गल आई है थोड़े तो साझ पा सका। एक ज्ञानी सूरत सिंह हुए ने चले उठते, याद रखो जे दरबार साहब च कथा करया करते सन उदों श्री हरिमंदर साहब के अंदर कथा होया करती सी। सूरत सिंह का पुत्र सी संत सिंह, संत सिंह वो है जिदा अज भी ना दरबार साहब के दहलीज उत्ते लिखा होया है। एहो ज्ञानी संत सिंह वो ने जिदा शागिर्द है, जिदा चेला है, जिदे कोल सिख्या नहीं सी कवि संतोख सिंह ने। ऐसे संत सिंह का पुत्र अगे ज्ञानी गुरमुख सिंह, ज्ञानी सूरत सिंह, ज्ञानी संत सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह। एक कुछ समय तो बाद ज्ञानी सूरत सिंह जी चनेड़ तो छड़ के अमृतसर शिफ्ट कर गए सन, मुड़ के उठी रहते रहे। ये ज्ञानी गुरमुख सिंह होरी इन्हों का भी काफी नाम है सिख इतिहास में। ज्ञानी गुरमुख सिंह होर ने शेर सिंह एक दिन कोल बिठा के एक गल कही, कह लगे भी सजना
इस गल च कोई शक नहीं, ध्यान सिंह ने तेनू अपने मगर ला के कुछ एक वो पाप करवा दे जेड़े ना माफ करन योग ने, पर फिर भी तू हुण सियाणा बण, तू एक काम कर, तू संधा बाणियां नू छड़ा के लेके आ। एक बारी मैं फिर दृढ़ करवा दी ताकि गल स्पष्ट हो जाए। इन्हां विचों सरदार केर सिंह ते सरदार लहना सिंह ये दोवें जेल विच ने, अजीत सिंह ते अतर सिंह वो दोवें भज के शेर सिंह का राज होने करके इन्होंने चंद कौर का पक्ष किया, चंद कौर के पक्ष करके शेर सिंह का विरोध सी, इस गलों डरते हुए भज के लुधियाने चले गए सन। अजीत सिंह अतर सिंह लुधियाने ने, लहना सिंह केर सिंह जेल विच ने, चारां दीआं जिहड़ीआं जगीरां सन जब्त कर लईआं सन शेर सिंह ने। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने शेर सिंह नूं समझाया, सजना तू धोखा ना खा, कल ध्यान सिंह तेनू हो सकता है बुरी मौते मारे, किसी वेले धोखा दे सकता है, वह तेरे अपने ने। हैरानी की गल, तू अपने जेल में रखी बैठा, अपने तू बाहर कढ़ी बैठा, तो ध्यान सिंह तू गोडे लाई बैठा, तू अपने अपने को बुला, कोई गल नहीं, तेरे अपने ने तेन धोखा नहीं देन लगे। ये गल सुन के शेर सिंह के मन लगी, उन्हें उस चारे संधा वालियां स्नेहे भेजे, जेल विचों मुक्त करवाया। एक लहना सिंह नूं ते केर सिंह नूं कोल ही आ गए। राजा संत सी जिथे अजकल अमृतसर साहब दे विच अड्डा बनिया होया, इस इलाके विच इन्हां दीआं जगीरां सन, इह इन्हां दीआं जगीरां सन जिहड़ियां अमृतसर दे विच सन। इत्थे लहना सिंह ते केर सिंह नूं बाहर कढ़िया। उस तों बाद विच जिहड़ा बाहर स्नेहे भेजे अजीत सिंह ते अतर सिंह नूं, अतर सिंह नहीं आया पर अजीत सिंह आ गया। एक ही गल समझ में ला के तुरे ने, उन्हें तीन कट्ठे हो गए, इन्हों तिना जगीर माफ कर दिखाई गई, तो इन्हों भी तुम इस राज घराने के साथी बन के चलो। हूँ यह साथी तो बन के चल रहे हैं, पर एक मन में इन्हों की खोट है कि किसी वेले शेर सिंह ने साडे नाल माड़ी की, साड़िया जगीर जब्त की, सानू जेल में पाया, जेल में कुड़कण है। हुण थोड़ी जी गल अपने फिर ख्याल में रखियो, हुण इस दरबार में तीन पार्टियां ने, तिने एक दूजे के मुंह मिलाजे मिठा बोल दिया ने, पर तिना के मन में गलत है। एक पासे शेर सिंह है, उन्हे मन में गलत है कोई मैनू धोखा करके मैनू तख्त तो न ला दे, दूजे पासे संधा वालिया के मन में गलत है भाई किसी तरीके साडा दा चले तो असी शेर सिंह के कोलों बदला लईए। एक तीजी पार्टी है ध्यान सिंह, ध्यान सिंह एक गल सोचता है भी कितने मेरा दा लगे, मैं इन्हों दोनों तबाह करके अपने पुत्र लीरा सिंह तख्त से बिठाव, रह कट्ठे रहे ने, गल्लां बातां भी कर रहे ने, विचारा भी छलियां कर रहे ने, पर हिरदे विच कपट है। एक दिन यह कपट खुल गया जिस दिन लहना सिंह नूं इकल्ला वेख के ध्यान सिंह ने गल शुरू की, उन्हूं कहण लग्गिया लहना सिंह मैं तुहाडे वल देख के बड़ा हैरान है, जिहड़ा तुसीं कटदे हो मुसीबतां तुसीं कटदे हो ते तख्तां ते कोई होर बैठ जांदा है, क्योंकि जबान का बड़ा तिखा सी, बड़ा बहुत ज्यादा जबान का जादूगर सी ये ध्यान सिंह। कह लगे जेना तुम कटिया मुसीबत तुम कटिया तख्त से शेर सिंह बैठा है, कदे तुम भी हुकूमत का नशा देख देख लो, तो कदे तुम भी चंद रोज हुकूमत करके देख लो, तुम ठोकरा कदे जिंदगी कट देनी है। और दूजी गल मैं थोड़ी एक गल होर कहना चाहना, वो ये कहना चाहना है भाई कई बार चेता रखियो जे अपन के चेहर बगानिया का दिल हों, कई बारी अपन के पहराव्या बगाने भी छुपे होंगे ने। शेर सिंह तुम अपना समझ लियो, चेहरे करके तो है पर दिल करके तो नहीं, दिल में कपट है। जिस दिन दा लग्या तो चारे संधा वालिया ने मार देना। हूं जब लहना सिंह यह गल कही, लहना सिंह भी इस गल तिखा सी राजनीति में, उन्हें उस वेले कहा भी ठीक है ध्यान सिंह गल तो तेरी बड़ी चंगी है, तू सियानी गल की है, पर तू दस भी करिए किवें। उन्हें आख्या कमलिया शेर सिंह तेनू मारे, तू कहना शेर सिंह मार दे। कह लगे मैं मारा किवें, कह लगे तरीका तेनू मैं दसूं, उस तरीके तू मार दी।
कहने लगे ठीक है, इंतजारी करनी शुरू कर देती। कुछ समय तो बाद शेर सिंह नूं कोई पता नहीं जिस गल का, कुछ समय तो बाद शेर सिंह अपनी जगीर बटाले मुकेरियां उस इलाके में शिकार खेडन चला गया। लहणा सिंह ते केर अजीत सिंह, क्योंकि अजीत सिंह आ गया लुधियाने तो, लहणा सिंह ते अजीत सिंह ये चाचा भतीजा ने, ये दोवें जने चले गए मुकेरियां चले गए उस जगह के उत्ते जिथे शेर सिंह ने अपना तंबू लाए सन टिकाणा करिया सी, उठी अंदर चले गए ते इन्हां नूं देख के शेर सिंह उठ के खलो गया, चरनी हथ लाया, चाचा जी जी आया नूं किवें आए हो लाहौर नूं छड के, कोई सुख है? कहण लगे हां बिल्कुल सुख है, ते असीं तां तेरे नाल इक गल सांझी कर रहे हैं। कहण लगे दसो। कहण लगे सानूं ध्यान सिंह ने तैनूं मारन वास्ते भेजिया, असी तेरा सिर लैण आए। उस वेले शेर सिंह ने अपनी तलवार कढ़ी ते कढ़ के अपने चाचे दे पैरां विच, लहणा सिंह दे पैरां विच रख दित्ती। कहण लगे चाचे ते प्यो विच कोई बहुता अंतर नहीं हुंदा, जे तू मेरा सिर वढेगा ना मैं समझांगा मेरा प्यो ही मेरा सिर लै गया, तां की होया जे तेरे दिल नूं ठंड पैंदी है, तां की होया जे तेरे अख ध्यान सिंह खुश हुंदा है, तां की होया जे राज दरबार दा सुधार हुंदा है, मेरा सिर हाजर है, तू बदनामी दा टिक्का अपने नां ते ना लै, मैं आप ही खुद तैनूं कहना मेरा सिर वढ लै, मेरी तलवार वढ, सिर वढ के लै जा, जे तू खुश हो सकदा है ना तू मेरा चाचा है, मैनूं कोई इतराज नहीं, मेरा सिर लै जा। लहणा सिंह ने तलवार चुकी, चुके उन्हें पकड़ाई। कहने लगे शेर सिंह जो सिर इवें लैना हों ना तो असं तेन दसना नहीं सी, तू कि वट ले जाना सी, असी तेरा सिर लैन नहीं आए, आए भावें इसे काम नूं है, पर तेन सुचेत करना आए भी तेरे पक्ष में ध्यान सिंह बड़ी माड़ी विचार रख रहे। कहने लगे ठीक है, तू सुचेत रही? कहने लगे ठीक है। उहदे कोलों हुण जदों बैठ के गल्लां चलदियां ने, गल्लां चलदियां विच्चों गल चली वी ध्यान सिंह नूं क्यों ना बन्ने ला दईए। शेर सिंह कहण लगे बिल्कुल ठीक है, पर इह कम्म किवें होवे? शेर सिंह कहण लगे लहणा सिंह जी, चाचा जी तुसीं इह करो कम्म ते मैं तुहाडे नाल वादा करदा वी तुहाडा खून माफ मैं करांगा, तुहाडे ते कोई दोष नहीं लगेगा। उन्हें आखिया ठीक है। कहण लगे भी तुसीं अगे जदों चंद कौर माणी सी ना, उन्हें गोलियां नाल बड़ी बुरी कीती तुसीं, ते मेरे कोलों कितें ध्यान सिंह नूं मरवा के बुरी ना करियो, इस लई मैनूं लिख के दे दो, मैं तुहाडे कोल लिख के लैणा चाहुंदा। शेर सिंह ने एक पल लाया कागज दे, हिक दे उत्ते चंद अखर वाह दिते। कहण लगे भी लहणा सिंह जी, चाचा जी तुसीं ध्यान सिंह दा कतल करो ते तुहानूं इह जिहड़ा खून है माफ होवेगा। उन्होंने चिट्ठी मोड़िया, तय की बोझे पाई, बोझे पा के उतों आ गए तो आदि ध्यान सिंह पूछया। ध्यान सिंह पूछता है भी तुम्हें शेर सिंह का काम कर आए हो? उन्हें आख्या भी नहीं, तेरे एक बहुत जरूरी गल करनी है, असी तो इस गलों हैरान है, तू साडिया गलां कह रहे, शेर सिंह तो तेरा बैरी बनिया बैठा। उन्हें आख्या वह किवें? कहन लगे अज एक सानू लिखत लेके दिती है। जब उन्हें लिखत पढ़ी भी चाचा जी तुम शेर तेरा ध्यान सिंह का कतल करके तुहाडे खून माफ होणगे। एक गल चेता रखियो, जिहड़ा दुनिया नूं मौत देने वाला है ना, जदों उहदे सामने अपनी मौत आउंदी है ना, फिर उहदे लत्तां विच जान नहीं होया करदी, फिर उहदी जबान विच जान नहीं होया करदी, फिर उहदे हत्थां विच जान नहीं होया करदी वी उह सामना कर सके। ध्यान सिंह दीआं लत्तां कंबण लग पईआं, ध्यान सिंह दे हाथ जुड़ गए, ध्यान सिंह दी जबान थथलाउण लग पई। उस वेले बड़े अरब नाल कहण लगिआ, लहणा सिंह जी मैं तां तुहाडे पक्ष दी गल कीती सी ते तुसीं माफ करना, मेरे ही दुश्मन बन के आ गए हो ते मैनूं मौत क्यों दे रहे हो? जिवें तुसीं कहोगे मैं उवें तुहाडी आग्या विच चलांगा, पर मैनूं मारिओ ना दे, मैं हजे तुहाडा बहुत कुछ लेखा देना है, मैं इस घर का बड़ा नमक खाधा है ते मैं इहदे नाल गदारी नहीं करना चाहुंदा, मैं इत्थे तुहाडे भले दीआं गल्लां करना, रब ने मैनूं भेजे ही भला करन वास्ते, मैं माड़ा काम अज तक एक भी नहीं कीता। गल्लां होईआं ना, एक विच छोटी जी गल मैं होर कहण लगा। किसे वेले सरमद फकीर नूं बुला के औरंगजेब ने एक गल कही सी। सरमद फकीर केवल नगेज कजण वास्ते कपड़ा पहनता सी, बाकी नहीं सी पहनता।
औरंगजेब ने कपड़े दिते, कह लगे तेनू कपड़े पाने पैणगे। उन्हें आखे मैं कपड़े नहीं पहनता। कह लगे क्यों नहीं पहनता? कह लगे पर यार तेरे वर्गे बंदे ने 100 पाप करने ने, तू बड़ियां पोशाकां पा। औरंगजेब नू कहण लगे तेरे वर्गे बंदे ने 100 पाप करने ने, मैनू रब ने इतनी कृपा की, मैनू पाप ही कोई नहीं कर देता, तो मैनू तेरे वर्गे कपटी चोले पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू तेरे वर्गे इस तरह के पाप करन वाले कपड़े पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। कहण तो मुराद मैं उसे गल चला जी बेनती कर रहा सा। कई बारी बंदा योजना गलत धर्म दियां कर करके अपने वालों ते अंदर के कपट नूं अपने पाप नूं छुपाउणा चाहुंदा है। ध्यान सिंह मिन्नता करदा रहना सिंह दियां, उन्हां उस वेले गल आखी, कहण लगे वी ध्यान सिंह एक गल चेता रखी, असीं जे तैनूं मारना हुंदा तां धोखे नाल कदों दे मार दिंदे, असीं तैनूं मारना नहीं चाहुंदे, मारना सी शेर सिंह नूं ही है, पर तू एक लिख दे सानू, क्योंकि तुसी दोनों ने जिहड़ा चंद कौर नाल काम किया ना उहदे ते सानू भरोसा नहीं बनता, तुसी साडे नाल भी दुश्मनी गदारी करोगे। हुण चंद अक्कर ध्यान सिंह ने भी लिख के दिता भी कोई गल नहीं, तू शेर सिंह नूं बनेगा ते एक वक्त आवेगा लहणा सिंह मुखिया होवेगा, राज तख्त ते बैठेगा ते जिहड़ा जिहड़ा जी करे उहनूं वजीर बना देगा। हुण उहदे कोल भी लिख के लै दिया। एक गल इन्होंने होर की सी, शेर सिंह नूं एक सुनेहा भेजिया, दोने पासे तो लिख के लै लिया, आप इन्होंने अपने कोल रख लिया। शेर सिंह नूं एक सुनेहा भेजिया भई जिहड़ी तुसी फौज की इंस्पैक्शन करनी है, फौज की जिहड़ी तुसी घोख करनी है, वह 15 सितंबर 1843 का दिन निश्चित कर लीजिए। शेर सिंह नूं भरोसा सी, उन्हें आख्या कोई गल नहीं, उस दिन निश्चित कर देने, दिन निश्चित कर लिया। हुण लाहौर के किले तो करीब 2-3 किलोमीटर दूर जाके मीर भी लिखे आए, उत्थे दूर जाके शमियाना लाके फौज आई है। लहणा सिंह ते केर सिंह 15-14 सितंबर 5000 की फौज लेके अमृतसर राजा समझी तो लाहौर पहुंच गए। हुण गल समझण वाली मैं बेनती करा, 5000 की फौज लेके लहणा सिंह ने जिथे जिथे अहम अहम थावां सन, जिमें तोपा वाले सन, तोपा वाले उत्ते अपने बंदे खड़े कर दिते। वह लाहौर का किला, उसके किले के दरवाजे उत्ते जा किले दीयां अहम थावां दे उत्ते उन्हें अपने बंदे खड़े कर दिते लहणा सिंह ने, क्योंकि उहदी फौज वधीक है। ते उन्हें आखिरकार हुण वह जिहड़ा राजा शेर सिंह बैठा अपने शमियाने च अपने तंबू च, फौज सामने आउंदी है ते फौजां दीयां वर्दियां वेखदे ने, उन्होंने जवानों नूं वेखदे ने, किसे दी लोड़ पैंदी है कोई थोड़ा बहुत नुक्स कढ दिंदे ने। आखिरकार बहुते नौजवान जिहड़े ने वह अखां दे अग्गे गुजर गए। हुण उन्हें हथियारां दी परख करनी है, हथियारां दी परख करदियां करदियां अजीत सिंह एक कारबाइन लेके आया, अजीत सिंह एक बंदूक लेके आया। उन्हों कहन लगे भी राजा शेर सिंह जी तुसी इहनू वेखो, तो सी बड़े अजीब ढंग की बनी हुई, उहदी कला ना लभी, उहदा घोड़ा ना लभिया। तो शेर सिंह ने फिर पकड़ा दिती, कहन लगे भी तुसी इहदा घोड़ा कित्थे हुंदा मैनूं उह ते दसो। जदों उहने शेर सिंह नूं घोड़ा दसण दी बजाए उन्होंने आप पकड़ ली, पूरी तसली होगी भी इस वेले पूरी तरह में सुरक्षित है। तो उस वेले अजीत सिंह ने, हालांकि महाराजा रणजीत सिंह ने परिवार विचों मैं बार बार बेनती करा, अजीत सिंह संधा वालिए ने शेर सिंह की हिक ते रख के सज्जे पासे वाले वाले पासे नूं इहो जी गोली मारी, ओह बेचारा शेर सिंह तड़फदा होया उस वेले अपने आसन तो थले डिग पिया, तड़फदा हुआ धरती से पिया। आखिरकार कुछ पलों के मगरों गोली इस तरह बजी सी, कुछ पलों के मगरों खून न लथ पथ हो गया। कई बारी बंदा पाप की दुनिया च कितना खचत हो जाता है, अप
अपनिया का डुलिया खून भी उसके दिल में दर्द पैदा नहीं करता। शेर सिंह तड़प तड़प के सामने उन्हें जान दे दी। जदों उसकी मौत हुई तो आखिरकार पापी नूं हजे भी सबर ना आया। उन्हें लहणा सिंह ने अपनी तलवार कढ़ी, तलवार कढ़ के उसका गल वढ़िया, गल वढ़ के उसका सिर चुकिया, सिर चुक के अपने नाल तलवार की नोक से टांग के बाहर निकल गए। रोकण वाला कोई है नहीं सी, फौजी सारे अपने लाए से, सिर्फ फुट की करवा रही है। मैं बेनती करा जदों उतों लेके सिर बाहर जा रहे हैं, महाराजा शेर सिंह का एक पुत्र है कंवर प्रताप सिंह, वह उस वेले खुले मैदान के विच कुछ एक लोग लोड़वंद आए हुए ने, ते उन्होंने कुछ राज दरबार की जो मर्यादा सी उन्होंने कुछ दान पुन कर रहे हैं। ते जब रौला पैदा आ रहा है उदा प्रताप सिंह का ध्यान उधरले पासे गया। 12 साल का हजे, सिर्फ 12 साल का निकला जिहा बच्चा है। उस 12 साल के बच्चे ने सामने देखिया ध्यान नाल भी रौला किस गल का पैदा आ रहा है। तो जदों उन्होंने लहणा सिंह ते केहर सिंह नूं घोड़िया से चलिया पाउंदिया वेखिया ते उन्होंने आखिर नजर पई भई मेरे पिता का शीस के तलवार की नोक से टंगी आउंदे ने, वो कंब गया। उस वेले कंब गया जदों उहदे कोल लहणा सिंह आया, लहणा सिंह दे थले उतरिया ते लहणा सिंह दे चरण पकड़ के कहण लगिया, निकला जिहा 12 साल का बच्चा है, कहण लगे मैं बड़ी बारी खून डुलदा वेखिया जे, तुसी कृपा करो मेरे बापू नूं भी मार दिता है, पर मैं बेनती कर रहा जिवें तुसी कहोगे मैं तुहाडे घर दा गोला बन के रहणागा, तुहाडे घर दा नौकर बन के रहणागा, मेरी मां रुल जाएगी, साडा परिवार रुल जाएगा, तुसी मेरे ते तरस करो मैं किहड़ा पाप की, मैं कि बगावत की है थोड़ी जरा मेरे से पाप कर लगे हो, मैनू ना मारियो, मैं थोड़े पुत्रां वर्गा, मैं थोड़े बच्चियां वर्गा। पर जदों अखां विच खून उतरिया हो प्यारियो, उदों कदे बच्चियां दे मासूमां दीआं गल्लां जिहड़ियां ने कन्नां तक नहीं पहुंचदियां हुंदियां। उस वेले लहणा सिंह ने फिर तलवार कढ़ी है, तलवार मारी जिवें पानी विचों दी तलवार लंघ जांदी है, इवें उस प्रताप सिंह दी गर्दन दे कोल दी तलवार लंघ गई। धड़ हेठां तड़फदा रह गया, सिर वक्खरा डिग पिया, सिर नूं पकड़ के उन्होंने पापियां ने फिर दोबारे दूजी कृपान तलवार दी नोक ते टंग लिया ते टंग के दोनों प्यो पुत्रां दा सिर लहू चौंदा जा रहा है। ते आखिरकार वह उस लाहौर के किले अगे आ गए। मिठी हुई साजिश के मुताबिक उत्थे ध्यान सिंह भी अगे खलोता है ते लहणा सिंह ने उस वेले गल कही, कहन लग्या ओ ध्यान सिंह जी तुहाडे मन दीआं मुरादां पूरीआं करके आए हां असीं, हुण तुहानूं कोई मुश्किल नहीं बनेगी। लगे आओ ते उस वेले लहणा सिंह ने भी गल कही, कहन लगे ठीक है आपां अंदर जाके गल करने आ, बाहर नहीं गल करनी, आपां अंदर जाके गल करने। दोनों सिर लामे रख दिते। कुछ एक विद्वानां ने लिखिया भी उस दी ध्यान सिंह के पैरों में शेर सिंह का सिर से जाके सिटिया सी, पर कई गल ऐसिया जिहड़ियां मैनू भी कहणियां औखियां लगदियां ने क्योंकि आखिरकार साडा इतिहास है। ध्यान सिंह ने शेर सिंह के पैर में ठोकर मारी सी, कहण लगे तू ध्यान सिंह की मौत का सौदा कर लगे सी। आखिरकार उस पापी ने कोल खलोते, दोवें प्यो पुत्रां दे सिर पए ने, लहणा सिंह कोल खलोता है, केर सिंह कोल, अजीत सिंह कोल खलोता है, ते उहनूं पुछण लगे बड़े प्यार नाल, कहण लगे हुण दस राज प्रबंध किवें चलाईए, तेरी की मंशा है, तू बड़ा सियाणा राजनीति विच। ध्यान सिंह कहण लग्या, कहण लगे हुण ते स्पष्ट ही है, हुण कोई दो रावां ही नहीं, इउं करिए महाराजा दलीप सिंह नूं बनाइए राजा। कोल खलोता लहणा सिंह बोल पिया, कहण लग्या भी फिर वजीर किनूं बनाइए, मुख्यमंत्री किनूं बनाइए। ध्यान सिंह कहण लग्या भी मैं समझना भी जे बच्चा 5 साल का है, 5 साल 7 महीने का बच्चा सी उदों, महाराजा दलीप सिंह
कह लगे इतने छोटे बच्चे ने जो तुम तख्त से बिठाना है तो वजीर से कोई हड़िया होना चाहिए ना लहरा सिंह जी तुम बाहर फिरते रहे हो तुहाडे कोल राजनीति का इतना ज्ञान नहीं है। मैं बहुत लंबे समय तो वजीरी करता आ रहा तो मैं समझना भी अगर तुहाडे दरबार में कोई योग वजीर है तो ध्यान सिंह तो बिना कोई दूजा नहीं है। चलो एक गल उन्होंने सुनी तो उस वेले अजीत सिंह फिर दोबारे गुस्सा आया। उन्हें उस वेले ध्यान सिंह वालू करके अपनी बंदूक का मूह एक गल कही कह लगे पापिया तू लम्मा समा वजीरी करके भी नहीं रजिया तू लम्मा समा पाप करके भी नहीं रजिया तू लम्मा समा महाराजा रणजीत सिंह के नमक नू खा के अपनी जिंदगी के अंदर नमक हरामी करने वाले तू लम्मा समा लोगों का खून पी के भी नहीं रजिया अज याद कर ले जे किसी नू करना चाहना है ते तेरी चंद पदों की जिंदगी है। एक गल चेता रखियो सतगुरु की बाणी का एक बड़ा प्यारा बचन है फरीदा दरिया वे कन्ने बगला बैठा केल करे। हालांकि कई बार असी मृतक समागमों के उत्ते यह पंक्ति लिख देने लिखनी नहीं चाहिए यदा मतलब उस पासे नहीं होंदा। फरीदा दरिया वे कन्ने बगला बैठा केल करे केल करेंगे हंज नू अचिंते बाज पए तिस रब दे केलां विसरिया जो मन चित ना चेते सन सो गादी रब किया। जिहड़ी गल मैं अज तक कदे नहीं सोची मेरे नाल भी कदे इवें आजेगी मैं दुनिया की मौत का ठेकेदार बनके मैं दुनिया की मौत का खरीदण वाला बनके खरीदार बनके मैं तो लोगों नू मौत दिंदा रहा अज खुद मौत मेरे सामने आ खलोती है। बड़ा तड़पे पर उन्हें एक न सुनी कांड कर दी एक गोली उस ध्यान सिंह पापी की हिक विचों दी लंघी कड़ी पल मगरों को धरती से लिट गया। उत्थे ही शेर सिंह का सिर पिया उत्थे ही उस कमर प्रताप सिंह का सिर पिया ते उत्थे ही पापी ध्यान सिंह डोगरे की लाश पई है। इन्हां सिंह ते अजीत सिंह ने एक ब्यूंत होर बनाई सी भई अज ही 15 सितंबर 1843 अज ही हीरा सिंह जिहड़ा ध्यान सिंह का पुत है इहनू भी अज के दिन ही खत्म कर दईए। सुचेत सिंह डोगरा जिहड़ा इस ध्यान सिंह डोगरे का छोटा भरा है उन्होंने भी अज के दिन ही तोड़ दईए पर यह मंशा पूरी ना हो सकी उहदा कारण है। हीरा सिंह डोगरा कुछ एक फौज लेके जिथे भाई बुद्धू का आवा है उत्थे रुके होया ते इस भाई लहणा सिंह ने अपने वालों एक नुमाइंदा बंदा भेजिया ते बंदा भेज के उन्होंने जाके कहन लगे भी हीरा सिंह तेरे पिता ने तेनू बहुत राज भाग की जरूरी गल करने वास्ते अंदर सद्या किले दे ते तू अंदर जा रहा ते उन्हें आख्या भी मैं नहीं जाना जो अंदर की हालात ने उन्हें मुताबिक भी मैं नहीं जाना। लहणा सिंह सियाणा सी इस गलों उन्हें हीरा सिंह के हाथ की एक मुंदरी सी बड़ी कीमती हीरिया जड़ी जब कितने अहम काम होता सी वह मुंदरी भेजा करता सी उन्हें ध्यान सिंह ने उहदी किवें करना लहणा सिंह ने ध्यान सिंह की मुंदरी लाके नाल भेज दित्ती सी कहन लगे भी जे वह ना मने तो उन्होंने कहना भी ध्यान सिंह ने मुंदरी भेजी है यह निशानी भेजी है तो हूं तो तू अंदर आ जा। जदों मुंदरी देख के उन्हें मन बन गया हीरा सिंह ने दो कदम पुटे ने उस वेले एक पंडित जल्ला एक पल में बोल रहे लगे ये पंडित जल्ला भी जम्मू का है इस हीरा सिंह का उस्ताद है कुछ समय इनू पढ़ा रहा फिर एदा ही सलाहकार बन गया सी फिर दोस्तों वाला काम बन गया सी। जदों हीरा सिंह ने चंद कदम पुटे लाहौर वाले किले नू ता उस वेले पंडित जल्ले ने एक गल आख दित्ती कहन लगे हीरा सिंह जी तुहानू नहीं जाना चाहिए
कहने लगे क्यों? कहने लगे मैंने सुख नहीं जे लगती। कहने लगे फिर पिता ने बुलाया। कहने लगे इन्हें कहो भी जे पिता ने बुलाया तो पिता ने कोलो दो अक्षर लिखवा के लाया जिन्ना चिर ध्यान सिंह के हथां की लिखी हुई चिट्ठी नहीं आती उन्ना चिर असी लाहौर के किले विच नहीं जाना। हुण बंदा वापस आ गया, उन्हें आके दस दिता लैणा सिंह नूं भी वह हीरा सिंह नहीं आया, उन्हूं पंडित जदे ने नहीं आउण दिता कि उन्हूं इस गल्लों रोक लिया कि हुण मेरे कोई चारा नहीं है। उन्हें आखे भी कोई गल नहीं, असी इसका प्रबंध करने हैं। आखिरकार ये तीन उच्चे खत्म कर दिते। एक बुद्धू सिंह मरवाहा वह भी इतने महाराजा शेर सिंह दे नाल वह कोल खलोता सी ते उहनूं भी संगीर मार के क्योंकि वह तलवार कढ के राणा सिंह दा मुकाबला करन दी कोशिश कर लगा सी ते उहनूं भी तलवार मार के वह संगीर मार के उत्थे खत्म कर दिता सी। ते इह पापी 1843 नूं 15 सितंबर नूं इक्को दिन विच इहनां सारिआं दा अंत होया। हीरा सिंह दी मौत किवें हुंदी है यह आप आने वाली लड़ी के विचारा। पंडित जल्ला महाराजा दलीप सिंह ने तख्त से बैठा तो यह विचार आने वाली लड़ी के अज की विचार करदियां हुई अनेक प्रकार दिया भुलां नूं किवें बख्शिश करनी, गुरु चरणां विच अरदास करनी, बेनती करनी, साहिब अगां वास्ते समर्थ प्रदान करन ताकि आप रल मिल के अपने इतिहास के उन्हां पन्नियां नूं जान मान सकीए जिन्हों अज तक असी अपनी अखों परोखे करके रखे है तो असी समझ नहीं पाए। फिर एक बेनती कर लगा, दुनिया में दो तरह की ताकत होंगे ने, एक वो जिड़िया ताकत पैदा कर देंदिया ने पर चला नहीं सकदिया, दूजिया वो होंदिया ने जिड़िया ताकत पैदा नहीं कर सकदिया पर चला देंदिया ने, चला देंदिया ने। सिख भी यह दो छेदे ते लगता रहा, यह ताकत पैदा करने विच देरी नहीं लाउंदा, पैदा करने विच देरी नहीं लाउंदा, पैदा बड़ी जल्दी कर देंदा। बड़ी बारी इहदे ते मार पई। एक वक्त ऐसे भी आए कि जदों हुण सिख दिसना ही नहीं कोई, ते केवल तस्वीर ही दिसेगी, पर कुछ महीनों तो बाद फौजां धड़ा धड़ लेके जरमन नूं नत्थ पा देंदियां सन। ताकत पैदा बड़ी जल्दी कर लैंदे हैं पर असी अपनी निजी फुट दे करके गुआ भी बड़ी जल्दी लेने। इतिहास तो सीखण की कोशिश करिए। फिर दोबारी भुलां दी खिमा, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।